क्लासिक न्यू जनरेशन का कुछ फीडबैक लेना चाहते हैं। ये हमारे कस्टमर हैं, इन्होंने हाल ही में एक गाड़ी ली है, क्लासिक 350 स्टेल ब्लैक। तो सर आपका क्या रिव्यू है बाइक की रिगार्डिंग, आप बताएंगे मुझे? हाँ, मुझे जानना चाह रहा था नया जनरेशन क्लासिक आया है उसके बारे में, फीचर्स के बारे में पता करना है। नेट पे बहुत सारा देखा है, अभी फिजिकली देखने आ रहा है तो और अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। बाइक देख के ऐसे मन लग रहा है चला के ले जाओ, अच्छा ऐसा फीलिंग आ रहा है। तो टेक्निकली या तो फिजिकली फीचर्स के बारे में थोड़ा और बता दो, जो पढ़ के आया उसके अलावा भी जो फिजिकली देखने के बाद भी बहुत अंतर आ रहा है इसके बारे में जरा बताइए। सबसे पहले मैं इस गाड़ी की खास बात आपको बताता हूँ। इस गाड़ी में जो खास बात है वो एक तो मैट कलर है पूरी ना, ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो अपनी तरफ कस्टमर्स को कैच करती है, जो इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा पसंद की आती है। दूसरा, इस गाड़ी की अगर हम बात करें सब अभी ना ABS के साथ में आती है, और जो इसकी जो डिस्क ब्रेक है वो अभी 300 mm की आती है, पहले आती थी 270 की, तो अभी इसको बढ़ा दिया है। इससे फायदा क्या है आपका, आपकी जो ब्रेकिंग है ना ओवरऑल वो, हाँ ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा हो जाता है। फिर अगर हम इसके टायर की प्रोफाइल की बात करें वो भी कंपनी ने चेंज किया है, पहले आता था 190 120 80 कर दिया है, तो इससे भी आपकी मोर ब्रेकिंग ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। और उसके अलावा ये जो और इसकी जो साथ में जो अलॉयज है विद ट्यूबलेस टायर के साथ में, एंड उसके अलावा इसमें जो लाइट्स है, अगर आप देखेंगे पहले भी हैलोजन आती थी, बट अभी इन्होंने थोड़ा सा उसको लाइट को इम्प्रूव किया है, फ्लैट किया है LED के साथ में। ये टाइगर हेड लैम्प है, और उसके बाद हम इसकी बात करेंगे इसकी कंसोल डिजिटल मीटर के बारे में। आप देखेंगे थोड़ा, आप दिखाएंगे कैमरे में, ये देखिए इसका पूरा ये डिजिटल है ये, और इसमें आप ना ये ऐड ऑन करा सकते हैं ट्रिपल नेविगेशन बाद में वर्कशॉप में। और ये स्विचेस आप देखिए, इसमें हैजर्ड लाइट भी ऐड ऑन हो गई है, चारों इंडिकेटर्स आपके साथ एक साथ जलेंगे। स्मार्ट बटन स्टार्ट बना दिया है, अगर आप बोलेंगे तो मैं स्मार्ट स्टार्ट करके भी दिखा सकता हूँ उसको। ये देखिए गाड़ी की साउंड देखिए पहले की तरह है ना, और उसके अलावा देखिए टायर की जो आपने बात करी था वो टायर ना पीछे वाला भी चेंज है इसमें ना, जो पीछे वाले जो टायर है वो भी चेंज है, इसकी प्रोफाइल चेंज है 120/80 इसकी प्रोफाइल है टायर की ना, जो कि पहले नहीं था अभी। उसके अलावा इसकी जो डिस्क ब्रेक है ये 270 mm की आती है बैक वाली। ओवरऑल अगर हम पूरी बाइक को देखें सर, ये पूरी बाइक की न्यू कम्प्लीटली न्यू इंजन के साथ, न्यू चेसिस के साथ, और इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो 13 लीटर की है। आप इसमें बैठ के देखिए सर एक बार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इसके अलावा फिर मैंने सुनने में पढ़ के आया कि फ़ोन चार्जर भी आ गया। हाँ, इसमें फ़ोन चार्जर भी है सर। यस, ये इसका ये फ़ोन चार्जर है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे चार्जिंग लॉन्ग राइड वगैरह अगर आपको जाना है तो आपको इसमें ये बेनिफिट है आपका कि अगर कभी आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट या बंद हो जाए तो आप चार्ज कर सकते हैं इससे। मेरा हाइट है 5.1, हाँ हाँ, तो इसमें ये कंफर्टेबल। तभी मैं आपको कह रहा हूँ सर, आप एक बार प्लीज़ बैठ के देखिए ना बाइक में। हाँ सर, फील लेके देखिए बाइक को, कैसी आप बाइक लग सर? ये तो आप बहुत सुंदर लग रही है बाइक। आप स्टार्ट करके देखिए सर, इसको एक बार फील करके लेके देखिए एक बार बाइक को। और इसमें ना एक चीज़ और भी है सर, अगर आप देखेंगे इसमें डिजिटल तो ये करी है कंपनी ने, उसके अलावा फीचर और बेनिफिट की अगर हम बात करें, जैसे अगर आप मान लीजिए साइड स्टैंड पे बाइक लगा है तो सेफ्टी सेंसर है, अगर आपने गेट डाला तो बाइक ऑटो स्विच हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो ये भी फीचर ऐड ऑन किया है BS6 कंप्लाइंट में, ये भी एक बेनिफिट आपके लिए। माइलेज क्या देंगे सर? माइलेज 35-37। एनी कोई डाउट सर? कोई वेटिंग टाइम है इसका इंजन चेंज किया गया? चीज़ें बताना चाहूँगा इस गाड़ी में ना, कंपनी ने काफ़ी चीज़ें और भी चेंज की है। पहले ना बैटरी इस तरफ आपकी गाड़ी में आती थी, अब बैटरी इस तरफ आती है, अगर आप देखेंगे ना। हाँ, ये देखिए ये बैटरी इस तरफ आ गई है ना। और उसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताना वाला हूँ जो इसमें टेक्निकली कंपनी ने अपग्रेड की है, मतलब वो सेफ्टी पॉइंट व्यू से वो है हमारा है ना, इस तरफ आती थी सर। अच्छा, यहाँ पे इस तरफ अभी वो यहाँ से वो यहाँ कर दी हमने ना, चेंज कर दी है, तो ये चीज़ें इसमें चेंज है बाइक में, टेक्निकली अपग्रेडेड है ये सब चीज़ें जिसके भाई हमने बात की है टच पॉइंट। तो ये सिंगल सीट आते हैं, ये तो डबल सीट में आती है, डबल सीट में आती है। हाँ, ये हमने इसमें आपको बताई है जो चीज़ें चेंज हुई है। तो सर ओवरऑल आपको क्या फीडबैक है बाइक का? बहुत अच्छा, मुझे पसंद आ गया था, टाइम निकाल के आ गया बाइक फिजिकली देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा। मनीष साहब ने एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच सर। और लोगों को भी बताऊंगा कि ये गजब का बाइक निकाला है अभी, ठीक है, लोगों को फ्रेंड सर्कल भी बहुत का परचेज करने वाला है। तो हमारे पास टेस्ट के लिए भी अवेलेबल है, मैं जरूर टेस्ट लेना चाहूँगा। ओके,
तो कब आप आएंगे सर हमारे शोरूम पे दोबारा से? कैसे ले लेते हैं?